चंदन क्यारी में चौथे चरण के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही वैसे वैसे प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। चंदन क्यारी प्रखंड के मांडरा पंचायत के प्रतिमा प्रमाणिक पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव मैदान में है, जिन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ टेकरा भोजकी मांडरा समेत कई गाँव मोहल्ले में मोटरसाइकिल रैली निकाल कर जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं घर जाकर अपने लिए ग्रामीणों से वोट मांगी तथा क्रमांक संख्या 2 पर सेव छत पर मुहर लगाकर भारी संख्या में विजय बनाने की अपील की। मुखिया प्रत्याशी प्रतिमा प्रमाणिक ने कहा, हमने ससुर समाज सेवी एवं पूर्व मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्होंने पंचायत के ग्रामीणों की बहुत सारी मदद की है और हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं, मदद किए हैं और करते रहेंगे, परंतु पंचायत में कई कमियां देखने को मिल रही थी और सरकार की योजनाओं का सही तरीके से पंचायत के ग्रामीणों को नहीं पहुंचा पा रहे थे। लोग वर्तमान जनप्रतिनिधियों से नाराज दिख रहे थे, इसलिए ग्रामीण इस बार परिवर्तन चाहती है। तो इतना जनसार, काफी भीड़ देख के आपको क्या लग रहा है, कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता से हमारा हजारों हजारों अनुरोध है कि आज मेरे रैली में जो समर्थन हुआ है, इसको हम भाई बहन माता पिता सबसे हजारों हजारों प्रणाम जनाते हैं कि जिस तरह से आज रैली आप लोग निकाले हैं, उसी तरह से मेरे पुत्र वधु प्रतिमा प्रमाणिक को बहुमूल्य वोटों से विजयी बनाएं। और ये जो रावण राज चल रहा है, इसको राम राज बनाइए, इतना ही मेरा मान रहा है। अच्छा से हमको हम लोग घूमे, जो जनसंपर्क अभियान में जो घूमे हैं, टेकोड़ा, जूनबाग, लक्षनपुर, मारा डी, मारा भस्की, बहुत अच्छा है। पब्लिक एक्चुअली समझ गया है जो उस रावण राज में जो 5 साल बिताया है, आदमी जो दुख कष्ट जो भगा है, उसके लिए आज रावण राम राज लाने का प्रयास कर रहा है। मारा पंचायत में जो डर भय है, उस लोग को सुबह हम लोग हटाने का काम करेंगे। कोई भी जनता डर के नहीं रहे, इसके लिए हम जनता को अपील करेंगे। उसके लिए हम लोग को जो मारा पंचायत के जनता के लिए करना पड़ेगा, हम लोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। कल भी आपके विपक्ष जो है इसी तरह का भीड़ जमा है, तो क्या लग रहा है? कल तो उनका टेलर था, अभी हम लोग पूरा पिक्चर दिखा दिए उनको। कल तो उनका टेलर था, पूरा पिक्चर दिखाए हैं और पूरा मारा पंचायत के जनता ने दिखा दिया है। उनका कहना है कि इस बार जितना वोट से उसे डबल वोट से जीतेंगे। ठीक है, उसमें गिनती का दिन में पता चल जाएगा, डिब्बा में जो वोट जाएगा उसी में पता चल जाएगा। भीड़ लगा है हम लोग का, जो प्रतिमा प्रमाणिक को हम लोग खड़ा किए हैं। इसमें हम लोग निर्णय लिया है कि ये जो पंचायत का गोती नीति है, अभी वर्तमान चरम भ्रष्टाचार पर चल रहा है, ये भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने के लिए हम सभी ने निर्णय लिया है कि प्रतिमा देवी को हम लोग जिताएंगे। यही संकल्प है कि मरना में भाई भूख भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हम बनाने चाहते हैं, इसीलिए हम प्रतिमा देवी को सभी जनता से अनुरोध से प्रतिमा देवी के बारे में वोट, इसलिए आप लोग समर्थन किए हैं सभी? हम समर्थन फुल समर्थन।